किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है, ये हमेशा चलते रहता है, हमेशा नए अवसर मिलते हैं, बस सही और समय पर सही अवसर पहचानने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है भगवान के सहारे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। परंतु साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा, वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूब रहा था, मर रहा था, तब मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे महात्मन, मैं तुम्हारी रक्षा करने का एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। दोस्तों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है, किसी न किसी को माध्यम बनाकर हर समय हमारे साथ ही रहता है, लेकिन हम अपने अहंकार के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते, या अवसरों की प्रकृति भी कुछ ऐसी होती है। तो यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं, तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अवसर को पहचानना चाहिए, और इस कलयुग में अवसर भगवान साक्षात नहीं आते हैं, वो किसी न किसी के सहारे, किसी न किसी के जरिए आपको अवसर प्रदान करते हैं। आपको पहचानने की जरूरत है, इसीलिए अवसर को पहचानते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।